स्टूडेंट, दिस इज न्यू क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। द क्वेश्चन इज डिटरमाइन द फॉलोइंग क्वॉंटिटीज फॉर इच ऑफ द टू सर्किट्स शोन बिलो सिंगल सर्किट है फर्स्ट क्वेश्चन इज द इक्ट रजिस्टेंस द टोटल करेंट फ्रॉम द पावर सप्लाई द करेंट थ्रू इच रजिस्टर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर this question was asked in cpc examination let's see how to solve this question there are three registers 20 ohm 30 ohm 50 ohm they are connected in series series means end to end connection and if the registers are connected in series then total resistance equivalent resistance is equal to sum of individual resistance सम ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टेंस अगर उनका हमें इक्वल रजिस्टेंस निकालना हो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस आर इक्वल टू इफ सपोज आर वन इज इक्वल टू ट्वेंटी ओम आर टू इक्वल टू थर्टी ओम आर थ्री इक्वल टू फिफ्टी ओम एंड वी इक्वल टू वन ट्वेंटी फाइव वोल्ट So equivalent resistance R equal to R1 plus R2 plus R3 equal to 20 plus 30 plus 50 equal to 100 ohm r equal to 100 ohm. Okay. This is answer number one. Answer number second is the total current from the power supply. तो पावर सप्लाई से करंट प्लस टू माइनस जाता है यहां से प्लस से निकलेगा लाइक दिस एंड करंट इज फिफ्टी ओम रजिस्टर थर्टी ओम रजिस्टर एंड ट्वेंटी ओम रजिस्टर एंड एंड्स टू निगेटिव टर्मिनल सो करंट विल बी सेम इन द पाथ इस पूरे पाथ में करंट सेम होगी बिकॉज द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सो वट विल बी द करेंट फ्राम बैटरी द टोटल करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई पावर सप्लाई से कितनी करंट फ्लो करेगी सो करेंट इज इक्वल टू वी अपॉन आर वी इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फाइव और आर इक्वल टू है देन वन पॉइंट टू फाइव एम पी है दिस इज टोटल करेंट ड्रन फ्रॉम पावर सप्लाई क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द करेंट थ्रू ईच रजिस्टर ईच रजिस्टर से जितना करंट यहाँ से निकल रहा है वही करंट, सिंस ऑल द रजिस्टर्स ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन देयर फोर current will be same therefore current will be same therefore current will be same so current through current through each resistor is equal to 1.25 ampere okay and the question number d is what the voltage drop across each resistor to so, jab bhi series combination hota hai to voltage drop alag alag hota hai total 125 hai iske cross voltage हमने मान लिया V1 है इसके क्रॉस V2 है और इसके क्रॉस मान लिया हमने V3 है तो करंट जा रही 1.25, तो voltage drop वोल्टेज ड्रॉप एक आर वन तो वी वन इक्वल टू आई इंटू आर वन और वी वन की आई वन आई की वैल्यू है वन पॉइंट टू फाइव आर वन की वैल्यू है ट्वेंटी तो मल्टीप्लाई करने पे आ गया ट्वेंटी फाइव जा हंड्रेड ट्वेंटी टू जा फोर्टी टेन फिफ्टी ट्वेंटी वन जा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव वी टू कितना हो जाएगा आई इंटू आर टू आई सेम है तो वन पॉइंट टू फाइव आर टू कितना है थर्टी है तो ये मल्टीप्लाई करने आ गया थर्टी सेवन पॉइंट फाइव वोल्ट और वी थ्री इक्वल टू आई इं टू आर थ्री इज इक्वल टू करेंट सेम है एंड दिस इज फिफ्टी इक्वल टू सिक्सटी टू पॉइंट फाइव वोल्ट आंसर तो हो जाएगा वोल्ट। ये एक आंसर ये हो गया और करंट सेम होगा ये आंसर हो गया एक ये आंसर हो गया और ये ये आंसर हो गया ठीक है तो ये चार एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन बनाकर दिया था इक्वरेंट रेजिस्टेंस, टोटल करंट, करंट थ्रू इस रजिस्टर एंड द वोल्टेज ड्रॉप ड्रॉप ईच रजिस्टर ठीक है तो जब भी सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है वी वन वी टू वी थ्री और करंट सेम होता है तो करंट जितना पावर सप्लाई से चलेगा उतना ही करंट सभी रजिस्टर से भी होकर जाएगा और वोल्टेज ड्रॉप अगर वन ट्वेंटी फाइव है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग जैसे यहाँ पर एक आया ट्वेंटी फाइव एक आया थर्टी सेवन पॉइंट फाइव और एक आया सिक्सटी टू पॉइंट फाइव और सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा वन ट्वेंटी फाइव वोल्ट तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के हिसाब से जिसका जितना ज्यादा होगा और कम होगा तो जितना कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी उतना ही कम होगा और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो उसके क्रॉस उसके क्रॉस क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप भी अधिक होगा ठीक है ताकि करंट सेम फ्लो करे ठीक है ना करंट सेम फ्लो कराने के लिए ही जितना रेजिस्टेंस होगा वोल्टेज भी उतने ज़्यादा उसके क्रॉस होगा ठीक है अगर सब रेजिस्टेंस सेम रहेगा तो उसके सभी के क्रॉस करंट अगर सेम है तो वोल्टेज भी सेम रहेगा और अगर डिफरेंट है तो वोल्टेज ड्रॉप भी अलग अलग होगा तो यहाँ रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो इसलिए वोल्टेज ड्रॉप भी अलग अलग होगा और सीरीज़ में कंबाइन है तो करंट सेम होगा ठीक है थैंक यू